और हजारीबाग जिला के बड़का गांव गुरुचट्टी में लोकहित अधिकार पार्टी का ग्राम स्तरीय जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसकी अध्यक्षता विक्की कुमार गुप्ता ने की, तो ग्राम कमेटी का गठन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश मंत्री कुंज बिहारी साहू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में 85% आम जनता को धर्म के नाम पर डरा कर राजनीति किया जा रहा है, जो अब नहीं चलेगा। कोई बताने आया और तब जो है यही भ्रम फैलाया कि मुसलमान। नमस्कार, मैं आशीष कुमार शाह और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं इस वक्त बड़कागांव प्रखंड के चट्टी चौक में उपस्थित हूँ और यहाँ पे आज लोकहित अधिकार पार्टी का एक मीटिंग रखी गई है। उसमें दर्जनों लोग लोकहित अधिकार पार्टी में आज ज्वाइन किए और हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामविलास राव जी उपस्थित है। इनसे जानते हैं क्या है पार्टी का उद्देश्य है आगे लेके। इस पार्टी का उद्देश्य जो इस देश में कांग्रेस 54 साल उपेक्षित रही है, शोषित रही है, वंचित रही है और आज इन दोनों के विकल्प के तौर पर लोकहित अधिकार पार्टी आई है, जो इस देश का संविधान है। उस संविधान के तहत संवैधानिक अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का दिलाने के लिए मैदान में आई है और आम जनता के बीच में यह एक विकल्प बनकर आई है और आने वाला दिन में लोकहित अधिकार पार्टी का सरकार बनेगा और निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, ये 85% जनसंख्या जो उपेक्षित